अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। तो आपको पता होगा सेशन क्या है, किस चीज पे है। यूपीएससी प्रीलिम्स की डिटेल्ड स्ट्रेटजी है, स्टार्ट से लेके प्रीलिम्स के पेपर तक। यानी कि मैं ये आपको बेसिक स्टार्टिंग में ये चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको शुरू करनी है तैयारी, ये बताऊंगा कि वेन टू स्टार्ट, कब आपको शुरू करनी है, हाउ टू स्टार्ट, किस तरीके से शुरू करनी है। एक रफ टाइम टेबल भी मैं दे दूंगा आपको 2024 या 2024 या 25 की जो तैयारी कर रहे हैं। ये इसका मैं बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये है, मेन ये बताऊंगा कि मैं जनरल पॉइंट्स क्या आपको दिमाग में रखने हैं टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक जब आप 3-4 महीने पहले शुरू करते हैं प्रिपरेशन, वो कैसे करनी है, एक हफ्ते पहले क्या करना है प्रीलिम्स एग्जाम की, और सबसे जरूरी कि आपको एग्जाम वाले दिन या एग्जाम वाले एनवायरमेंट में उसके 1-2 दिन पहले या उस दिन क्या करना है, और किस तरीके से वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसमें मैं मेनली वेरियस सब्जेक्ट्स शायद ना हो पाए, इतना समय नहीं है, तो मेनली मैं सी सेट के बारे में बता दूंगा। बहुत से लोग आप में से कह रहे हैं इसका मैं इसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लूंगा। तो सबसे पहले वेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। स्टार्ट अर्ली, ये बहुत जनरल चीजें हैं, मैं 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसके बाद अपन प्रीलिम्स में चलेंगे। स्टार्ट अर्ली प्रेफर है ना, आपको प्रेफरेबली 2 साल पहले स्टार्ट कर देना है, बिफोर यू आपको जब प्रीलिम्स देना है आइडियली ये हो जाना चाहिए। अगर आपने पहले से सोच लिया है तो आप समय से स्टार्ट कर दें, अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 साल पहले स्टार्ट कर दें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे इंस्टाग्राम में आते रहते हैं कि हम अभी 8-9 महीने बचे हैं तो अभी हम शुरू करें क्या। तो मेरा ये मानना है कि आइडियली आपको इस समय स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट बाय रीडिंग ब्लॉग्स, ये थोड़ा जरूरी है कि आप जब भी स्टार्ट करें, जो भी अगर कोई नया देख रहा है या फिर आपकी इतनी अच्छी भी तैयारी नहीं हुई है, आपको आगे 2025-26 में देना है, तो ऑलवेज स्टार्ट बाय वॉचिंग टॉपर्स वीडियो एंड बाय रीडिंग देयर ब्लॉग्स। अगर आप किसी को पर्सनली जानते हो, इफ यू नो समवन पर्सनली हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, देन प्लीज पुट एफर्ट टू गेट इन टच विद देम, ठीक है। अगर आपके पहचान में कोई है तो प्लीज आप उसके पास जाइए और उससे पूछिए, अगर आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं, और आप उनसे बोलिए कि 1-2 घंटे में वो आपको पूरा समझा दें। बट ऐसा आप तभी करें जब आपके पास बेसिक नॉलेज हो, और वो बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगी, जब आप टॉपर्स वीडियो ब्लॉग्स देख लेंगे, यानी कि आपको बेसिक अपना प्लान आपका बना हो, उसके बाद आप किसी के पास जाएं तो वो अच्छे से बता पाएगा। फिर फॉर्मुलेट अ ब्रॉड स्ट्रेटजी और प्लान और टाइम टेबल ओनली आफ्टर थरो एनालिसिस ऑफ टॉपर्स स्ट्रेटजी एंड ओनली आफ्टर एनालिसिस ऑफ योर ओन वे ऑफ स्टडिंग एंड योर एबिलिटीज, ठीक है। आप टॉपर्स स्ट्रेटजी तो देखनी है आपको, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका क्या तरीका है पढ़ने का, आपकी क्षमताएं क्या है, उसी के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। फिर ये फाइनल पॉइंट है कि टू रियलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल इन द स्टार्ट, गो फॉर दैट एक्स्ट्रा माइल इन द इनिशियल फेज एंड गिव योर सेल्फ एन एज इन द एज टू बिगिन विथ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर अभी तक नहीं की अच्छे से तैयारी, तो आगे भी जब आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि इनिशियली के 1-2 महीने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चीजें कर लें। इससे तो पहले कि अपने दिमाग में एक बना होता है कि यार हम इतने घंटे नहीं पढ़ सकते, हर किसी को लगता है कि यार मैं 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। जब आप एक बार ये कर लेंगे कि मैं, आप ये देख लेंगे कि मैं 8-10 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, इजिली लंबे समय तक कर सकता हूँ, या फिर आपको बहुत सारे आपके मन में होंगे वो डाउट्स, वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, अगर आप इनिशियल के ही 1-2 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा आपकी तैयारी में, और फिर आपकी इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेन ये फायदा होता है। इसके बाद एक रफ टाइम टेबल है, पर ये पिछले ये उनके लिए जो 2024 में दे रहे हैं अगले 7-8 महीनों का, ये 2025 वालों का है। इसमें ये है कि सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में है, ये 1-2 मिनट में हो जाएगा। दैट कंप्लीट द सोर्स ऑफ प्रीलिम्स दैट यू हैव डिसाइडेड, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो प्लीज कंप्लीट करें। ट्राई टू कंप्लीट योर ऑप्शनल, अपना ऑप्शनल जल्दी से जल्दी पूरा करें जितना कर सकते हैं आप, 50%, 60%, और प्लीज डू नॉट लीव एनीथिंग एसेंशियल required to clear prelims to be done in the prelims specific phase। यानी कि आप prelims specific की तैयारी जब भी शुरू करेंगे 4 महीने पहले या 5 महीने पहले, उस समय ऐसा कुछ आपके पास ना रह जाए जो prelims clear करने के लिए जरूरी था। यानी कि आपकी जो भी basic books हैं, basic books ही जरूरी होती हैं, current affair तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, तो वो basic books आपकी पहले से पूरी होनी चाहिए। ये prelims specific phase में बस revision का time होता है, पहले से नहीं करने का time होता। अगर आपने अभी ancient नहीं पढ़ा है या मेडिवल नहीं पढ़ी या कोई भी ऐसी आर्ट एंड कल्चर छोड़ी है, तो वो आप अभी पूरी कर लें, प्रीलिम्स स्पेसिफिक फेज के लिए उसे ना छोड़े, उस समय टाइम नहीं रहता। इस समय आपको कम से कम 4-5 बार रिवीजन करना रहता है।
देन स्टार्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। कब आपको स्टार्ट करनी है, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप एटलीस्ट 5 महीने पहले शुरू कर दे बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है विद गुड प्रिपरेशन, यानी कि आपका या तो पहले हुआ है सिलेक्शन या आप आसपास रहे, जैसे कि जिसने 2023 में दिया है और उसके ठीक ठाक कुछ 70+ मार्क्स आ रहे थे, यानी उसकी ठीक ठाक थी तैयारी, तो आप 3-4 महीने भी दे सकते हैं, बट मिनिमम आई विल से कि 4 महीने तो आप दें ही, वैसा आ रहा है प्रीलिम्स, लेकिन पहला अटेम्प्ट है तो आप 5-6 महीने की तैयारी करें प्रीलिम्स के लिए, वरना आपका नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो सकती है आपको फिर सारी, अगर उसमें नहीं हुआ तो सारी तैयारी आपकी बेकार चली जाएगी। और जो आगे करने वाले हैं 2025 में, उसके बाद देने वाले हैं, देन कंप्लीट एंड रिवाइज एवरीथिंग 5 मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स, रीड बेसिक बुक्स, कंप्लीट योर ऑप्शनल, आपको ये दोनों तो सबको करना है। इसके अलावा आपको मेंस स्पेसिफिक नोट्स भी बना लेने हैं जो भी मेन सिलेबस में टर्म्स दिए हैं, एंड रिवाइज एवरीथिंग एटलीस्ट वंस, ठीक है। ये सब करने के साथ साथ ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज भी कर लेनी है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। तो ये 3 बेसिक टॉपिक थे, क्या देखा अभी अपन ने, व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, एंड अब रफ टाइम टेबल फॉर दोस हु आर गिविंग देयर अटेम्प्ट इन 24 और 25। अब अपन देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर प्रीलिम्स। अब यहाँ से मेन आपकी चीजें शुरू होती हैं और आपको ध्यान से सुनना है और उसे समझना है। सबसे पहला, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, ठीक है, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली, एंड कैसे आपका हाई रहेगा, ये तो हर कोई कहता है कि आप कॉन्फिडेंस हाई रखिए। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तभी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर आपने ये देखा भी होगा कि अगर आप 1-2 महीने नहीं पढ़ पा, 1-2 हफ्ते भी नहीं पढ़ पा रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है और लगने लगता है कि यार बहुत चीजें छूट रही है, नहीं हो पाएगा, भले ही उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए आपको अपनी तैयारी हमेशा जारी रखनी है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक तो उससे सिलेबस जल्दी हो जाता है और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। बिकॉज अगर आप लगातार तैयारी करेंगे, भले ही आप कम पढ़ रहे हैं, 5-6 घंटे भी रोज पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस हाई रहता है। If you complete your daily targets and stick to your plan by even by 70-80%, ये मैंने बताया था कि अगर आप 70-80% से भी stick रहें, you will remain confident in the long run. हो सकता है आप कभी demotivate हो जाएं, आपको कभी anxiety हो, but long run में आप देखेंगे तो आप लंबे समय तक demotivated नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक हो रही है। Role of luck is maximum in prelims. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि luck का role है, मैंने भी बनाया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपका तुक्के में हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, but there is role of luck, है ना, रोल ऑफ लक तो है ही, इट्स एंड इट इज मैक्सिमम इन प्रीलिम्स इन दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी डू नॉट, बट ये आपको बात याद रखनी है कि इन दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी डू नॉट थिंक अबाउट थिंग्स दैट इज नॉट इन योर हैंड, ठीक है। आपके अगर हाथ में जो भी चीज नहीं है उसके बारे में ना सोचिए आप। अभी जो लोग प्रीलिम्स देते हैं जिनका नहीं होता, उसे लगता है कि प्रीलिम्स में लक का रोल है। आप उनसे पूछिए जिनका मेंस बहुत अच्छा गया, इतनी आगे तक पहुंचे, उनका भी नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं पर्सनैलिटी में, उनको इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिल जाते हैं, एवरेज भी नहीं मिलते, 150 मिल जाते हैं, और उसके कारण उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, और फिर आगे जाके हो सकता है उनका कभी ना हो। तो लक का रोल तो है ही इस एग्जाम में, आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। बट एक बात आप याद रखिए कि मैं खुद आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा था, और मेरे साथ लगभग अराउंड मोर देन 90+ बच्चों ने, जिनका सिलेक्शन हुआ था आईपीएस में, 200 बच्चों का होता है, 90+ ने दोबारा एग्जाम दिया था, और इसमें से आई कैन गारंटी, मैं एकदम श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मोर देन 90% का सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अब इनके लिए भी तो लक वो होगा ना, लक का रोल, लेकिन इनके लिए इतना नहीं था बिकॉज इनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी थी। तो इसमें से ज्यादातर, ये भी 90% में ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं तो जितों को जानता हूँ, एक आध को छोड़ के सबका हो गया है प्रीलिम्स में इस साल, जो भी दे रहा था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भले ही लोग कह रहे हैं लक का रोल है, फिर भी आप मेहनत करेंगे तो चांसेस हाई रहते हैं। फिर डू नॉट क्वेश्चन, ठीक है, डू नॉट डू दैट क्वेश्चन रॉन्ग दैट एवरीवन डज राइट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करने जो सब सही कर देते हैं, यानी कि जो बेसिक बुक से या PT365 से या ऐसी कहीं जगह से आ रहा है, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, बेसिक मैपिंग से, ये सारी चीजें आपको गलत नहीं करनी। अगर आपने कर दिया तो इससे क्या होगा, यू विल रीच नियर द कट ऑफ एंड यू विल रिमेन इन द बॉर्डर। सपोज इस साल कट ऑफ 80 गया हो आपके, सपोज अच्छा आपके 90 आने होते, लेकिन आपने 2 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए, तो आप कट ऑफ 85 पहुंच जाएगा। आप कट ऑफ के जितना ज्यादा पास पहुंचेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके कम हो जाएंगे, साथ ही आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उस 1 महीने में। रिजल्ट 15-20 दिन में आप तो आ जाता है, बट उस 15-20 दिन में भी आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। सो आपको जो क्वेश्चन बनते हो जो सब, मतलब जो बेसिक बुक से हो, वो गलत नहीं कर सकते आप। इसमें भी आपका अगर मोर देन 90% हिट रेट है, गलत नहीं कर सकते, मतलब एक आध तो गलत हो ही जाते हैं, बट अगर मोर देन 90% आप सही कर रहे हैं तो ठीक है। फिर
टू नॉट गिव एक्सेसिव फोकस ऑन करंट अफेयर्स, ये भी बहुत जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स पे अति वो ना करें, है ना, एक्सेसिव फोकस ना दें। ये मैं इसलिए सेपरेटली लिख रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो यही पूछते रहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें कि ना पढ़ें, ये मैगजीन पढ़ें कि ना पढ़ें, वीडियो देखें कि ना देखें, पूरी तरीके से फालतू की बातें हैं। आप पहले बेसिक बुक्स, अपनी बेसिक सोर्स जो आपने तय किया है वो पूरा करिए। आप कोई भी एक करंट अफेयर का सोर्स पढ़ लीजिए, सब एक जैसे रहते हैं, बहुत कम आता है वैसे भी अब करंट अफेयर से, तो आप कहीं से भी पढ़ें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गो फॉर सेकेंड सोर्स, आपको दूसरा सोर्स देखना ही नहीं है, आपने जो भी पहला सोर्स तय किया है वही बस करना है। डिसाइड योर सोर्स इन द स्टार्ट, शुरू में आप तय कर लें, ट्रस्ट इट, ट्रस्ट करिए। आप चाहे PT365 पढ़ें, चाहे मंथली मैगजीन पढ़ें, चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, तो जो भी आप कर रहे हैं एक चीज कर रहे हैं वही सफिशियंट होती है ना। ऑब्जेक्टिविटी इज एसेंशियल टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी से मेरा मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी से मेरा मतलब है कि डू ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। ऐसा ना हो कि अभी आप ये हवा में रहें कि मेरा ये छूट रहा है, मेरा आप आर्ट एंड कल्चर छूटा है, ये छूटा है, दो तीन चीजें छूटी हैं, इकोनॉमी नहीं पढ़ी मैंने, मैं तो उस समय कर लूंगा जनवरी फरवरी में, उस समय नहीं हो पाता है। अगर आप उस समय करेंगे, उसके बाद आपको 4-5 बार रिवाइज करना है, याद करना है, उस समय इतना समय नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहें अपनी जो भी तैयारी है उसके एनालिसिस में, और इसी हिसाब से आगे बढ़ें। आपको सब पता है, ये सारी चीजें मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, और भी लोग बताते रहते हैं, कुछ नया नहीं है, आपको सब पता है, बट आपको याद रखना है कि आपको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है सारी चीजों को, अपनी तैयारी को। और एक और चीज है, मैजिक विल नॉट हैपन, ठीक है, जादू नहीं होगा। इफ यू हैव नॉट स्टडीड फॉर होल ईयर, योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स विल बी लेस इवन इफ यू वर्क हार्ड इन लास्ट 2 मंथ्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गुस्सा होते हैं प्रीलिम्स के बाद कि बहुत कठिन आ गया, ये है वो है, लेकिन वो उनका ज्यादातर लोगों का क्या रहता है, वो पूरे साल मेहनत नहीं करते, वो आखिरी के 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक फेज है उसमें बहुत पढ़ लेते हैं, इससे बहुत कम चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। बहुत सारे 6 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, 15,000 सीटें हैं, तो 15,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो पूरा साल पढ़ते होंगे, तो उनका होगा कि आपका होगा, अगर वो पूरे साल जो पढ़ रहा है 8-10 घंटे, और आप आखिरी के 4 महीने में भले ही 15-15 घंटे पढ़ ले, तो भी आपका नहीं होगा। इसलिए आपको पूरे साल मेहनत करनी है, तभी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपने अभी तक मेहनत नहीं की है, सो इफ यू हैव नॉट वर्क थ्रू आउट द ईयर, जिसको इस साल देना है 2024 में, स्टार्ट प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन एटलीस्ट 5 मंथ बिफोर प्रीलिम्स, तो मे के एंड में है शायद, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर दें, भले ही आपका जो छूट रहा है वो छोड़ दें आप, अगर आपने पहले से की अच्छी तैयारी नहीं है प्रीलिम्स की, और अगर आपने फिर भी 5 महीने से कम दिए, तो आपका नहीं होगा, फिर बहुत ही किसी का तुक्का लग जाए तो हो जाएगा, बाकी नहीं होता। एंड देर इज नो नीड टू रीड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 to 11 ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बहुत सारे लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़नी चाहिए। रीड डेम इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास बहुत समय है, 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत ही ज्यादा समय है, तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं। या फिर अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं जैसे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं, बिकॉज फिर उस केस में ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर है कि किसी को समझ ना आए ये बुक है, बिकॉज बहुत ईजी रहती है, बट फिर भी किसी का पहले अगर बेस इतना अच्छा नहीं है, नहीं आ रहा, तो उस केस में एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर ये तो आपको समझ आ रहा है सब कुछ, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। इफ पॉसिबल डू मेंस प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग मेंस बिफोर स्टार्टिंग द प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन, आप जब भी 4-5 महीने पहले प्री स्पेसिफिक तैयारी शुरू करें, उसके पहले आप मेंस की पूरी तैयारी कर लें, दिस विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस इन द प्रीलिम्स। अब जो लोग इस साल दे रहे हैं 2024 में, और अगर अभी तक आपने मेंस की तैयारी नहीं की है, तो आप करने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने या तो अभी बेसिक बुक्स और ऑप्शनल अपना कंप्लीट कर लिया है, आपके पास समय है, या फिर जो आगे के अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मेन्स की तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए प्री के स्पेसिफिक तैयारी शुरू करने के पहले। इससे आपको 100% मदद मिलती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में, 2-3 क्वेश्चन में, कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। इस साल जैसे किसी चीज का परसेंटेज पूछा गया था 23 में डायरेक्टली, तो वो मैं मेंस के अपने नोट से कर पाया था, तो डायरेक्टली भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका पहला प्रीलिम्स है, या फिर आप इफ यू हैव द हिस्ट्री ऑफ गेटिंग नर्वस इन एग्जाम सेटिंग, आप कॉलेज के एग्जाम में, या फिर इवन अपने जो भी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहले दिए हैं, अगर आप में आपको पता है कि आप नर्वस हो जाते हैं एग्जाम सेटिंग में, आपको दिक्कत होती है देने में, देन प्लीज गिव सिमुलेशन टेस्ट, ठीक है। आप तक अगर आप अभी तक आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा, नीट का, IIT का है जिसका भी, या नहीं भी दिया होगा, तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा उसे पता होगा, तो अगर आप नर्वस घबरा जाते हैं, तो प्लीज आप सिमुलेशन टेस्ट करिए। सिमुलेशन टेस्ट अलग अलग कोचिंग कराती रहती है, वो डायरेक्ट स्कूल में ही या फिर अलग अलग जगह कराती है,
आप जाके दे सकते हो ना एक दो सैमुलेशन टेस्ट जितने ठीक लगे, इससे थोड़ी कम हो जाती है एनजाइटी, ठीक है, कंप्लीटली तो कम नहीं होगी अब जिसको होती है, बट थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप, बहुत से लोग पूछते रहते हैं समथिंग एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड, अभी भी शायद कोई पूछ रहा था कमेंट में कि क्या एक्स्ट्रा चाहिए, तो मुझे नहीं पता भाई क्या एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, ये कोई नहीं आपको बता सकता। इवन जिसकी AER1 आई है, जिसके 150 नंबर भी आ रहे हैं प्रीलिम्स में, किसी के आए होंगे, तो वो भी नहीं बता सकता क्या एक्स्ट्रा चाहिए। बट आई फॉलोड दिस बेसिक स्ट्रेटजी दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मैंने पिछले 3 प्रीलिम्स इसी से क्लियर किए हैं, और मुझे कभी ऐसी मेजर दिक्कत भी नहीं हुई कि एकदम कट ऑफ के पास हो, या मुझे लग रहा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्लियर, मुझे पता रहता था कि मैं कर लूंगा। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी भी आप फॉलो करिए तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप क्लियर कर लेंगे। फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी आपको कब से शुरू करनी है, स्टार्ट कब करनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप 5 महीने पहले कर दे अगर आपका पहला है, नहीं तो 4 महीने पहले कर दे अगर आप पहले दे चुके हैं। अपन कहाँ थे, रिवाइज एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इन लास्ट 4-5 मंथ्स, सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, स्टैटिक भी और करंट भी। स्टैटिक आप ऑलरेडी एक दो बार पढ़ चुके होंगे, है ना, पहले से ही। करंट आप उसी समय ज्यादातर लोग पढ़ते हैं PT 365, इसलिए आपको करंट भी 4-5 बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक भी नहीं आता, बट अगर आप ध्यान से एक एक वर्ड उठा के देखेंगे तो हर साल आए हैं, इस साल भी आए हैं, पहले भी आते हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मतलब 8-10 तो ज्यादा हो गया, कम से कम 5-6 ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली आप। इसके अलावा सॉल्व PYQ ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है, कम से कम पिछले 5 साल के करिए, आइडियली 10 साल के करने चाहिए, मे मेक सेपरेट नोट्स ऑफ इट, ठीक है, मेक सेपरेट नोट्स ऑफ इट। आप PYQ करते हैं तो उसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं इसके नोट्स बनाने हैं कि नहीं, नोट्स बिल्कुल बनाने हैं और नोट्स सेपरेट बनाने हैं, उसी में मत लिख दीजिए आप, आपके नोट्स होंगे ऑलरेडी उसी में आपको नहीं लिखना है, सेपरेटली बनाने हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको आपको पेपर से एक दो दिन पहले रिवाइज करनी पड़ेगी बार 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 बार। मैंने इस साल पिछले 5 साल के वो बनाए थे, 5 साल के पेपर के, और मुझे लगता है मैंने कम से कम 7-8 बार मिनिमम रिवाइज किया था उस नोट्स को, क्योंकि वो नई चीजें थी, वही चीजें लिखी थी मैंने अपने नोट्स में, तो मैंने 7-8 बार रिवाइज किया था, और इससे हर साल है वो 100% गारंटी है, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं बन रहे होंगे और इससे बन जाएंगे, और आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर पाएंगे। देन मॉक टेस्ट आपको देने हैं कि नहीं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ज्यादा देने हैं। मुझे याद है 2021 में, 3 साल पहले जब मेरा पहली बार क्लियर हुआ था, तो मैंने 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे, 25, लेकिन इस साल 2023 में मैंने कितने दिए थे, सिर्फ 5 दिए थे। तो इस, अगर आप बार बार दे चुके हैं, आपको पता है क्या, आपका पूरी तैयारी हो चुकी है, आपको पहले से तय है कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है एग्जाम एनवायरमेंट में, तो आप ना भी दें कम दें, मतलब ना, मतलब 5-6 भी दें तो भी चलेगा, बट अगर आपका पहला है, पहला इन द सेंस अगर आपकी मतलब पहला सीरियस प्रीलिम्स है, तो आप एटलीस्ट 20 तो दें ही, 20 से 25 दे के देखें, इससे फायदा होता है, इससे आपकी स्ट्रेटजी बनेगी, और मैं अभी आगे भी बताऊंगा कि क्या फायदा होता है। फिर 1 हफ्ते पहले क्या करना है आपको प्रीलिम्स से, ये तो आप पूरा करेंगे 4-5 महीने, 1 हफ्ते पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हैव अ प्री डिसाइडेड प्लान, हर चीज प्री डिसाइडेड होनी चाहिए इस तैयारी में। अगर आप ऐसे ही जंप कर गए कि यार मैं मतलब किसी भी फेज में, जैसे कि प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले आप ऐसे ही चले गए कि यार मैं सोचूंगा कि क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें छांट लूंगा पढ़ लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगी आपको। प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है 1 हफ्ते पहले, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा बी ए रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक बार आप सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं, या फिर जो आपको वोलाटाइल टॉपिक है, वोलाटाइल इन द सेंस जो आप भूल जाते हैं टॉपिक, उन्हें रिवाइज कर लें, वो सारी चीजें आपको पहले से तय करनी होगी, पहले से इन द सेंस 1-2 महीने पहले प्रीलिम्स के आपको तय कर लेना है कि मैं 1 हफ्ते क्या पढ़ूंगा 1 हफ्ते पहले, और वही चीज पढ़नी है, दूसरी चीज नहीं पढ़नी, ठीक है। अगर आप नई चीज ढूंढेंगे, या फिर ये सोचेंगे मैं क्या पढ़ लूँ, या आप सोचेंगे मैं एक बार पूरा पढ़ लूँ, तो वो बहुत कम लोग हैं जो 1 हफ्ते में पूरा पढ़ पाते हैं, कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं, बट आप लक्ष्मीकांत या पूरी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय जाएगा, और फिर आपको ये लगेगा कि यार लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली, मेरी स्पेक्ट्रम रह गई, तो ये ना करें, आप पहले से तय कर लें आपको क्या करना है। एंड डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू, ये तो सबको पता ही है कि कुछ नया ना पढ़े। डू नॉट सॉल्व एनी मॉक, बहुत से लोग कहते हैं कि मॉक लगाइए, या ये भी कहते हैं कि PYQ लगाइए, है ना, PYQ लगाइए, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो नहीं लगाता था, मैं पिछले 1 महीने में, 1 हफ्ते पहले ही, उसके पहले ही बहुत समय रहता है लगाने का, तो आप लगाइए अच्छे से पढ़िए उन्हें, बट आखिरी हफ्ते में आप जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तय किए हैं उन्हीं का बार बार रिविजन करिए, बार बार क्या, एक भी बार आप रिविजन करिए, एक बार ही कर ले तो वही बड़ी बात है, बिकॉज समय कम है, बट वही करिए आप, टेस्ट ना लगाएं उससे, मुझे नहीं, पर्सनली नहीं लगता कि कोई फायदा होता होगा। एंड इट इज फाइन इफ यू हैव नॉट वर्कड हार्ड, अगर आपने अभी तक उस समय तक भी मेहनत नहीं की होगी, ऐसा ना करें, मैं तो ऐसे लिख दिया है इसलिए, क्योंकि बहुत सारे अभी भी लोग होंगे जो उस समय तक मेहनत नहीं करेंगे, फिर भी आप स्ट्रेस ना लें, आप जो हो गया तो हो गया, आप
ऐसे ही दीजिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना शुरू में कि लक का रोल होता है, तो लक ये भी तो हो सकता है कि आपने कम पढ़ के गए हो फिर भी आपका हो जाए, ये भी तो होता है ना, उल्टा लक भी तो होता है। तो फिर अगर आपने ना कम भी पढ़ा हो तो स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा डिटेल में भी कवर करूंगा कि ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपको क्या करना है, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम या वन डे बिफोर द एग्जाम। तो चेक एटलीस्ट 2 डेज, ठीक है, चेक एटलीस्ट 2 डेज बिफोर द प्रीलिम्स, सारे एसेंशियल। आप प्रीलिम्स के एक दिन पहले ना बैठे चेक करने के लिए, कम से कम 2 दिन पहले बैठे कि आप क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल है आपका एडमिट कार्ड, है ना, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपकी घड़ी हो गई, वॉच हो गई आपकी, आप और भी चीजें होती हैं एसेंशियल, और क्या होता है एसेंशियल, आपका आईडी कार्ड हो गया, ब्लैक पेन हो गया, ये सारी चीजें जो एसेंशियल हैं जो आपको लेके ही जानी है, ये आप कम से कम 2 दिन पहले चेक कर लें। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप एक दिन पहले चेक करें और फिर आपको शाम को पता चले कि यार मुझे अभी फिर से मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ये चार मेरी ये ब्लैक पेन नहीं चल रहा है, मेरी घड़ी का सेल खत्म हो गया। ऐसा ना हो, आप पहले से चेक कर लें। देन प्री डिसाइड वॉट यू विल रीड ऑन लास्ट डे, ये भी आपको, ये तो बिल्कुल ही प्री डिसाइड कर लेना है कि आखिरी दिन आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो मैं पिछले 3 साल से 21 22 23 तीनों साल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री या स्पेक्ट्रम पढ़ी थी पूरी आखिरी दिन, ठीक है। अब मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मैं एक दिन में कर लेता हूँ उसे कवर, तो मैंने आखिरी दिन पूरी यही पढ़ता था मैं पिछले 3 साल से। भले ही इससे कुछ फायदा हो ना हो, कुछ बहुत दिक्कत हो, कुछ भी हो, बट आपको ये तय होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आखिरी दिन सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, ये तो बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। आप ये, और ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री मेनली इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे याद नहीं होती, मैं भूल जाता हूँ ये बार बार, इसलिए मैं पढ़ता था, ठीक है। इफ पॉसिबल चेक योर सेंटर बिफोर द एग्जाम डे, आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले या और 1 हफ्ते पहले ये जाके एग्जाम सेंटर देखा है। अगर आपका कहीं दूसरे शहर में है तो आप एक दिन पहले जाके देख लें, बिकॉज बहुत सारे, जैसे कि इस साल मेरा मेन्स का सेंटर नवीन एक स्कूल है वहां पास था, लेकिन जहां मैं रहता हूँ वहाँ नवीन नाम के उसी के आसपास 4 स्कूल है, और मैं बता नहीं रहा, मैं देखने गया था उसके 1 2 3 दिन पहले, तो मुझे दूर पड़ा था, 2 3 स्कूलों के बाद मिला था। तो आप सेंटर जाके देख ले, ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पहुंच जाएं, तो फिर आपका पूरा सब बर्बाद हो जाएगा साल पूरा, ठीक है। एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल, आपको एंजाइटी होगी, सबको होती है, मैं तो कितनी बार दे चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है, बट अभी भी इस साल का भी प्रीलिम्स इवन मेंस या कोई भी एग्जाम देने जाता है तो एंजाइटी तो होती ही होती है, इट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। जस्ट है ना, जस्ट डू वॉट यू हैव डिसाइडेड एंड हैव बिलीव दैट यू विल डू वेल, ठीक है। आपने जो भी तय किया है, जैसा मैंने कहा कि प्री डिसाइडेड हो, आपको उस पर फोकस करना है कि यार ये मेरा अच्छे से हो जाए, या इस समय भी आपको सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने तय किया है या जो भी तय किया है वो अच्छे से हो जाए, और अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपने पूरे साल पढ़ा है, 3 4 महीने इतनी मेहनत की है, मल्टीपल रिविजन किए हैं, तो अच्छा ही होगा। देन टेक एडिक्वेट स्लीप इफ पॉसिबल, बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, मुझे भी कभी कभी नहीं आती है नींद, इस साल भी जैसे थोड़ी कम नींद आई, ठीक है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज डू नॉट पैनिक, बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, सोने की कोशिश करते हैं बट एग्जाम के एक दिन पहले इतनी अच्छी नींद नहीं आती, बट प्लीज डू नॉट पैनिक, इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना लोग कहते हैं, बल्कि बिल्कुल ही नहीं पड़ता। स्लीप एज मच एज यू कैन एंड डू नॉट थिंक अबाउट इट। फर्क तब पड़ेगा जब आप, सपोज आपने सोचा कि मैं 8 घंटे सोऊंगा, आप 3 ही घंटे 4 घंटे 3 घंटे सो पाए, या 4 घंटे ही आपको नींद आई, और फिर आप दिन भर फिर सुबह उठ के सोच रहे हैं कि यार मैंने 8 घंटे सोचा था, मैं सो नहीं पाया, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें हैं। अगर आप 3 4 घंटे भी सो रहे हैं तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती। वेक अप इन टाइम, ठीक है, समय से उठें, चेक ऑल एसेंशियल्स, हैव अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। इस साल मैं जब गया था तो इवन जो वो व्हाइट बॉटल थी, जब मैं मेंस देने गया था, तो जो व्हाइट बॉटल होती है उसमें भी ओपेक थी, जो मतलब जिसके आर पार नहीं दिख रहा था वो भी उन्होंने बाहर निकाल दी थी। तो अगर आपको पानी पीना है तो आप ट्रांसपेरेंट बोतल ही लेके जाएं, वहां आप लड़ नहीं सकते उनसे, है ना, वो जो उनके हिसाब से चलता है आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। एंड हैव ए नॉर्मल वॉच, नॉर्मल, इसमें भी बहुत दिक्कत आती है, सेंटर सेंटर पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं कुछ भी अलाउ कर देते हैं, एकदम कैसी भी डिजिटल वॉच जैसी भी अलाउ कर देंगे, और कहीं एकदम नॉर्मल वॉच होती है तो भी नाटक करते हैं। तो एकदम आपकी नॉर्मल वॉच होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, आपके पास ना हो तो आप खरीद लें, और ये वॉच ले जाना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है प्रीलिम्स में, तो मेंस में भी हारी जाए, बट आप अगर नहीं लेके गए तो बड़ा आता है प्रीलिम्स का पेपर, आपका छूट जाएगा। इफ योर बेंच इज ब्रोकन, ये मैं बहुत डिटेल में माइक्रो चीजें बता रहा हूँ, बिकॉज इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी। अगर इफ योर बेंच इज ब्रोकन, यानी जब मैंने 2022 में दिया तो मेरी टूटी नहीं थी, बट वो हिलती है ना ऐसे ऐसे, बहुत ज्यादा हिलती है, तो हिल रही थी, तो बदलते नहीं है, आप उनसे बोलिए कि तुरंत, आप उनसे बोलिए, है ना, क्विकली आस्क फॉर अ चेंज एंड प्लीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट।
आप शर्माए नहीं है, सोचे नहीं कि यार इसमें मेरा रोल नंबर लिखा है, ये है वो है, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। आप तुरंत बोलिए बदलने को बेंच, मेरी बेंच नहीं बदली थी तो, पर उन्होंने नीचे कागज कागज लगा दिया था जिससे हिलना बंद हो गई थी। ठीक है, ये आपको करना है। अगर आपकी बेंच हिलती रही तो आपको आपको याद रखना है, आपको ओएमआर बनना है, बस पेपर में टिक नहीं मारना है, ओएमआर बनना है। अगर आपकी हिली तो आप गलत भर देंगे, इधर उधर हो जाएगा। एंड गो फॉर टॉयलेट बिफोर द एग्जाम, टॉयलेट जाइए एग्जाम के पहले, यू विल नॉट हैव द टाइम टू डू सो इन बिटवीन द पेपर। आपके पेपर के बीच में बिल्कुल भी समय नहीं होगा कि आप टॉयलेट चले जाएं। अगर आपको बहुत तेज टॉयलेट लग गई तो उसमें भी फिर आपका ध्यान जाता है और थोड़ा डिस्ट्रेक्शन होता है, इसलिए आप पहले से करके बैठे। देन रिप्लीकेट योर मॉक, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने क्यों कहा था कि आपको 20 मॉक्स लगा लेने हैं फुल लेंथ, या आपका अगर पहला अटेम्प्ट है, बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है वहां जाके, यू हैव टू रिप्लीकेट योर मॉक्स। कोई यहाँ पूछ रहा था कि मॉक टेस्ट एट द सेंटर और इन होम इटसेल्फ, तो आपको ज्यादातर मॉक आप सेंटर में भी लगा सकते हैं, होम में भी लगा सकते हैं, बट आपको साइमुलेशन कुछ टेस्ट होते हैं। साइमुलेशन टेस्ट क्या होते हैं, विजन जैसे अभ्यास कराता है या फोरम आईएसबी कराता है, अलग अलग कोचिंग कराती हैं, वो आपको एक सेंटर देंगी पर्टिकुलर, कि आपका ये स्कूल, आपका एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर आएगा, वो एकदम जैसे रियल एग्जाम एनवायरमेंट होता है वैसा क्रिएट करती है, तो उससे आपका थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाएगी। आपको एक बार आप उससे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपकी थोड़ी स्ट्रेस कम होगा। बाकी जो ये टेस्ट है ये आप घर में भी दे सकते हैं, एग्जाम सेंटर में भी दे सकते हैं, जैसा आपको, मैं घर में ही देता था, तो आप जैसा आपको ठीक लगे। रिप्लीकेट योर मॉक, हाउ टू, किस चीज में रिप्लीकेट करना है, हाउ टू अप्रोच द पेपर। अब अप्रोच करने के तरीका क्या है, तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग मिलते ही पेपर करना शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग पहले 5-10 मिनट देख लेते हैं उसके बाद जल्दी जल्दी शुरू करते हैं करना, तो वो आपको तय करना है। और ये सारी अप्रोच आपको मॉक में तय देख लेनी है करके, कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और इस इन सबसे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना बताया जाता है, बट आपको एक चीज तय कर लेनी है और उसी को रिप्लीकेट करना है अपने मेन एग्जाम में। आप वहां जाके मत सोचिए कि यार मैं पीछे से करने लगता हूँ, या मैं फिर आपकी सपोज पढ़ने की आदत नहीं है तो आप करना शुरू कर दीजिए, आप ये टेंशन मत लीजिए कि उससे कुछ नहीं होता है कि आप पढ़े चाहे ना पढ़े। देन हाउ मेनी क्वेश्चन टू सॉल्व, ये भी आपको पहले से तय करना है, बट जैसा कि अभी पेपर आ रहा है पिछले इस, जैसे कि खासकर 2023 का आया, तो मैं जितने भी लोगों से मिला, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो साथ में सर्विस में हैं, जो क्लियर कर चुके हैं, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अराउंड 90 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं, 85 to 90। अब हो सकता है किसी को ये नंबर बहुत ज्यादा लगे, जो इतना वो ना मारता हो तुक्का उक्का, लेकिन आपको बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन ही रहेंगे जो आपको अच्छे से बनते होंगे, और कट ऑफ इतना कम नहीं जाता। मैंने जैसा कि बताया 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सिलेक्शन होना है 15,000 का, तो सब तुक्के मारेंगे तो 15,000 का तो सही हो ही जाएगा, इतनी प्रोबेबिलिटी तो है, तो आपको भी मानने ही पड़ेंगे। तुक्के इन दस है, जो आप ये 10-15 क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हैं, ये वो वाले क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल आपने सुने ही ना हो, बाकी अगर आपने सुना है, आपको थोड़ा आइडिया है, तो आप उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देन डू नॉट डू एब्रप्ट चेंज इन द स्ट्रेटजी इवन इफ द पेपर इज वेरी हार्ड। आपने ये तय किया है कि आप 85 to 90 क्वेश्चंस करते हैं, आपने ये तय किया है कि आपका ये है, ये तरीका है करने का, और आपको उसी पे स्टिक करना है, भले ही कितना भी कठिन पेपर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कठिन आएगा तो कट ऑफ गिरेगा, जैसे इस साल हुआ, पिछले साल 87-8 कितना गया था, 89 गया था, इस साल 80 के अराउंड जाए या और कम या जैसा भी जाए तो कट ऑफ गिर जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। कितना भी कठिन आए आपको अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक करना है। बहुत से लोग पैनिक करके बदल देते हैं, बहुत से लोग जैसे सपोज आप घर में आप 90 क्वेश्चन के अराउंड कर रहे थे, वहां कठिन आ गया तो आपने 75 ही कर दिए, बहुत हाई चांसेस कितने क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा आज की डेट में। ठीक है, तो आप जैसे कि इस साल भी मैंने 90 किए थे, अब कठिन तो मेरे लिए भी था, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत अलग पढ़ के जाता हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ वही पढ़ के जाता हूँ, कठिन मेरे लिए भी था, बट जो मुझे बिल्कुल नहीं बनता था वही मैंने छोड़ा, जिसका आइडिया था वो मैंने मार्क किया। और ये मार्क करना आप कब सीखेंगे, जब आप मॉक्स देंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, अगर आप मेजोरिटी में बल्क में मार्क कर रहे हैं तो आपके या तो नंबर पॉजिटिव में आएंगे या फिर इवन 0 भी आ जाएंगे, कम तो नहीं होते। देन हैव ए स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू मार्क क्वेश्चन इन विच यू हैव लेस आइडिया। ठीक है, आपको जिसको बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आइडिया कम होगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे या इवन एक भी नहीं कर पाएंगे, पर आपको लगेगा कि यार ये सुना है मैंने, मैं कर सकता हूँ, है ना, या दिमाग कुछ कहेगा कि यार शायद ये सही है, तो उसका आपको, वो बहुत से लोग पूछ रहे थे यार ये कैसे करें, है ना, वहां जाके कैसे कर पाएंगे अपन, तो वहां जाके ये करना ही नहीं है, वहां जाके कुछ नहीं करना है, वहां जाके आपको रिप्लीकेट करनी है स्ट्रेटजी अपनी मॉक्स की या पीवाई क्यू सॉल्व करते समय जो आपने अडॉप्ट की थी। तो हैव ए स्ट्रेटजी, ठीक है, पहले से ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से मार्क करेंगे उन क्वेश्चनों को जिसपे आपका लेस आइडिया है। अब इसके तरीके से मेरा क्या मतलब है, तरीके से मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग इंट्यूशन पे जाते हैं कि यार मैं ये मार्क कर देता हूँ, है ना, कुछ जैसे कि आप पहली बार पेपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपको ये पढ़ा है आपने, बट आपको याद नहीं आ रहा एक भी क्वेश्चन देख के, बट एक भी ऑप्शन देख के कि क्या एलिमिनेट हो सकता है,
बट आपका दिमाग कह रहा है पहले देख के, पहली झटके में देख के कि ये है, तो आपने पहले ये मार्क कर देना है, और उसके बाद आप गोला भरें तो इसी को भर दीजिए। कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं, या कुछ लोग इसे मार्क कर देते हैं फिर अंत में थोड़ा सोचते हैं या जो करते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तय कर लेनी है पहले से ही, हैव ए स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू मार्क द क्वेश्चन इन विच यू हैव लेस आइडिया एंड प्रैक्टिस इज बिफोर हैंड। आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है इन द मॉक कि कैसे आप इनको मार्क करेंगे, अदरवाइज यू विल पैनिक इन द एग्जाम हॉल। जब आप देखेंगे कि आपके 40-50 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, 50 क्वेश्चन हो पाए हैं, उसके अलावा 30-40 आपको और करने हैं, 35-40, ठीक है, और फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये कब होता है, जब आपने पहले से प्रैक्टिस ना की हो। मॉक में भी ऐसा तो है नहीं बहुत आसान आते हैं, या मॉक छोड़िए आप PYQ लगा लीजिए, उसमें भी जैसे 2023 का आप लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं उसमें आसान आए, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, बट उसमें तो आप मार्क कर देते हैं ना, कुछ तरीका तो अपनाते होंगे आप, वही तरीका आपको वहां अपनाना है और मार्क करके आने हैं क्वेश्चन। डू नॉट पैनिक व्हेन द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे हर साल, जैसे कि इस साल AR असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए थे 2023 में, बट अगर आप किसी ने पैनिक ना किया होता और जाके देखा होता, देन जो डाउट पूछ रहा है हिमाद्री या जो भी डाउट पूछ रहा है वो, अभी अपन सेशन बस कंप्लीट होने वाला है, 5-10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट लगभग, उसके बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन डाउट सेशन लग लेंगे। देन डू नॉट पैनिक अगर नए टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस साल AR वाले क्वेश्चन आए थे असर्शन रीजन वाले 2023 में, अगर कोई पैनिक नहीं किया होता और अगर किसी ने दिमाग लगा के थोड़ा सोचा होता तो वो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान थे। अगर उसमें आप एक भी चीज आपको पता रहता तो उसमें डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच सकते थे। जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, कंपेरेटिवली इजी थे AR वाले क्वेश्चन इन वाले की तुलना में, जैसे कि only 1 only 2 वाले आते हैं ये तो कितने कठिन रहते हैं, इनकी तुलना में बहुत आसान थे। तो कोई नया क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठिन ही होगा, बहुत सारे बहुत चांसेस हैं कि वो हो सकता है ज्यादा आसान हो, वो ज्यादा आपके सही हो जाए, तो आपको डरना नहीं है देख के। देन अप्लाई टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चन दैट यू डोंट नो। बहुत सारे यूट्यूब में टिप्स ट्रिक्स सबको डले रहते हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए, भले ही इससे नहीं आ रहा, इवन आपके एक दो क्वेश्चन भी उससे सही हो रहे हैं तो वो भी बहुत है, ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन का वो रहता है, तो एक दो क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं इन तरीकों से, तो आप ये जब आप एक बार पूरा पेपर कर लें उसके बाद अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप शायद एक दो सही हो जाए। देन बी वेरी केयरफुल बाय फिलिंग द OMR इफ मेकिंग मिस्टेक्स वाइल गिविंग मॉक्स। ये मेरा एक दोस्त का कॉल आया था मुझे, वो बता रहा था कि यार मैं OMR में गलती कर देता हूँ, मैं 8-10 टेस्ट दे चुका हूँ, मैं हर टेस्ट में एक दो गलत कर देता हूँ OMR में भरते समय। तो ये तो ब्लंडर है, आपका होना ही नहीं चाहिए गलत, एक भी आप अफर्ट नहीं कर सकते, अगर एक भी हो गया तो बहुत फिर आप नीचे गिर जाएंगे, ये आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, एक भी गलत नहीं कर सकते। तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो यू हैव टू चेक द रीजंस फॉर द मिस्टेक, आप गलती देखिए क्यों कर रहे हैं। मेनली क्या होता है कि आप एक तो जल्दी जल्दी भरते हैं तब गलत करते हैं, या फिर कुछ लोगों का इतना अच्छा वो होता ही नहीं है अटेंशन कि वो एकदम ध्यान से देख देख के एक एक भर पाए। अगर ऐसा है आपके केस में तो आप 5-10 10 क्वेश्चन करिए और फिर भर लीजिए, है ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग पहले राउंड में पूरे करते हैं, सपोज आपने पहला दूसरा राउंड कर लिया, आपने लगभग आपके 1 hour 15 minute हो गए और इसमें आपने लगभग सपोज 60 क्वेश्चन मार्क कर लिए, 50 क्वेश्चन मार्क कर लिए, ठीक है, तो आप ये जाके भर देते हैं OMR में, फिर अगला राउंड करते हैं और उसको साथ साथ में भरते जाते हैं जिससे कि अंत समय में पैनिक ना हो। बट अगर आपके गलत हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप लगातार इतने नहीं भर पाएंगे, तो 10 क्वेश्चन भरिए। जिनका गलत हो रहा होगा वो समझ रहे होंगे, बाकी लोगों को लग रहा होगा कि क्या फालतू बता रहा है, बट बहुत लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है, भरते समय। तो अगर आपका गलत हो रहा है तो आपको रीजन देखना पड़ेगा, उसे ठीक करना ही पड़ेगा, आप वहां एफर्ट नहीं कर सकते गलती, और यहाँ अगर गलत हो रहा है तो वहां तो होगा ही, वहां तो बहुत स्ट्रेस रहता है। देन फिल OMR आफ्टर फर्स्ट राउंड, फर्स्ट या सेकंड राउंड आप 1.5 घंटे का, 1 घंटे के आसपास का रहता है सबका, पेपर 2 घंटे का होता है, उसमें 1 घंटे के आसपास आपका फर्स्ट सेकंड राउंड पूरा हो जाता है फर्स्ट राउंड, तो उसके बाद आप OMR भर लीजिए। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मिनट, आखिरी समय में आप पैनिक करेंगे और गलती हो ही जाएगी, ठीक है, गलती हो जाएगी, वहां बहुत स्ट्रेस रहता है, घर जैसा एनवायरमेंट नहीं रहता। देन इन बिटवीन GS1 एंड GS2, आपका GS1 का पेपर हो गया, उसके बाद GS2 यानी CSET का पेपर है, प्लीज डू नॉट चेक और डिस्कस GS paper 1। या तो आप अपने मोबाइल में भी नहीं देखें, अपने जो साथ में निकले हैं फेलो एस्पिरेंट्स, बहुत सारे लोग बात करने लगते हैं, आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आपके बगल वाला आपसे बोलने लगेगा कि यार इसका क्या लिखा, ये क्या लिखा, तो आप ये सब बातों में ना पड़े, ये सब चक्रों में। GS1 कठिन आ रहा है, कठिन आ रहा है तो आप दे के आएंगे तो आपको यही लगेगा कि मेरा बहुत बुरा गया है, भले ही आपका सिलेक्शन होने वाला हो, तो उसके बारे में आप ज्यादा ना सोचें, और जो होने हो गया उसको छोड़िए, जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। तो इसमें करना क्या है आपको, यू कैन रिवाइज फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला की लिस्ट बनाई हो सेट के लिए, या फिर जो भी मोस्ट रिपीटेड थिंग्स हैं, मोस्ट रिपीटेड थीम्स है रीजनिंग की या मैथमेटिक्स की, उसके आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 8-10 पेजों में और उसको रिवाइज करिए, ठीक है,
चाहे तो आप एक दो क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, पूरा पेपर लगाने ना बैठिए, एक दो क्वेश्चन लगाए जिससे आपका माइंड उस ओरिएंटेशन में आ जाए, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करने के ओरिएंटेशन में। देन डू नॉट ईट एनीथिंग वेरी हैवी इन द इन बिटवीन एग्जाम पेपर। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम का आपका कहीं बाहर है और आप जाके कुछ बहुत भारी खा के आ गए, तो फिर आपको नींद आएगी या फिर पेट दिक्कत हो सकती है। तो हल्का फुल्का कुछ खाएं और फिर एग्जाम दे लें, उसके बाद खाते रहिए। देन कम्स दिस, ये इसमें मैंने सोचा था कि मैं सारे पेपरों का डिस्कस करूंगा, बट अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो सारे पेपरों का तो टाइम नहीं है। मैं बाद में यूट्यूब में या कहीं क्लास डाल दूंगा उसकी, बट सी सेट का मैं बेसिक बता देता हूँ। और इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी मैंने अभी तक इस, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बनाओ बनाओ, मैंने अभी तक इसलिए नहीं बनाया है बिकॉज मैं पहली वाली कैटेगरी में फॉलो करता हूँ, इस वाली कैटेगरी में, ठीक है। किस वाली कैटेगरी में? मैं अपने ठीक है, मैं पिछले 5-6 सालों के पेपर दे रहा था तो मेरे अराउंड 100+ आ रहे थे, तो मैंने इतना ज्यादा तैयारी नहीं की। तैयारी तो की है बट इतनी नहीं की है कि मैं आपको एकदम डिटेल में अच्छे से बता पाऊँ। मैं डेफिनेटली उस पर काम कर रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत सारे वीडियोज देख रहा हूँ, या जिन लोगों के, जो लोग फेल हुए थे इसी सेट में, उनके बाद उन्होंने कैसे रिकवर किया उनसे बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ डिटेल में। तो और डिटेल में वीडियो बाद में लाऊंगा। ये कुछ बेसिक बातें जो मुझे अच्छे से पता है, जिन पर जो मुझे लगता है कि ये सही है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आपके 90 तो हटा दीजिए, अगर आपके 100+ आ रहे हैं पिछले 5 साल के पेपर में, मेरे आते थे, मैंने लगा के देखे थे, तो इसलिए मैंने इतनी तैयारी नहीं की। अगर आपके 100+ आ रहे हैं देन यू आर इन अ कम्फर्टेबल पोजिशन। फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है, कम्फर्टेबल पोजिशन का ये मतलब नहीं कि आप कुछ ना करें। सॉल्व 5 to 10 मॉक्स, 5-10 मॉक्स लगाइए किसी भी कोचिंग के। पिछले 5 साल के पेपर आपने लगाई लिए हैं, अब 5-10 मॉक लगाइए किसी भी कोचिंग के, एंड उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। स्टिल रीड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इफ यू आर अटेम्प्टिंग देम रॉन्ग। अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन, एज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले, डायरेक्शन वाले, ब्लड रिलेशन के, ये कुछ क्वेश्चन है, सब में नहीं आता पर 2-3 इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ और यहाँ 2-3 क्वेश्चनों का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। जो फेल होते हैं ज्यादातर वो बॉर्डर में ही रहते हैं सी सेट के। तो अगर ऐसे वाले जो टॉपिक है इन पे अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं मॉक्स में या पीवाईक्यू में, तो उस पे आप सेपरेट नोट्स बना लीजिए और इसे अंत समय में रिवाइज करिए आप। देन रिमेन काम, ये सब इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इवन इजी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन इफ यू वरी टू मच इन एग्जाम हॉल। अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, देखिए थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है वो नॉर्मल है, बट अगर आप एक्सट्रीमली पैनिक कर रहे हैं कि पहला बहुत बुरा चला गया, मेरा साल बर्बाद हो गया, या मुझे कुछ नहीं बन रहा है, या ये है वो है, आप बहुत पैनिक कर रहे हैं, तो फिर आपके जो बनते क्वेश्चन होंगे वो भी गलत होंगे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर में, या आप कहीं भी जाके मॉक दे रहे हैं या सिमुलेशन टेस्ट में, कि आप एक्सट्रीमली तो पैनिक ना करें, थोड़ा बहुत कर जाए तो चलेगा बट बहुत पैनिक ना करें वरना गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। देन फोकस ऑन ऑल द सेक्शंस बट मोर ऑन सेक्शन विच इन विच यू आर गेटिंग आइदर वेरी गुड इन विच यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। अगर आप कोई भी सेक्शन है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें आपके थोड़े और बढ़ सकते हैं, तो उस पर फोकस करिए। आपके जिसमें बहुत बुरे आ रहे हैं उससे आपको नंबर बढ़ाने हैं तो बहुत मेहनत लगेगी सी सेट में भी, बट अगर आपके कहीं ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, अच्छे इन द सेंस ठीक ठाक, आप थोड़े बहुत आधे क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उस सेक्शन के, मैथ्स के, रीजनिंग के या कम्प्रेहेंशन के, तो प्लीज उस पर फोकस करिए, खासकर मैथ्स और रीजनिंग वाले केस में, क्योंकि उसमें आपके नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपको, अगर किसी के मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं किसी भी तरीके से, उसका मतलब ये है कि उसके मैथमेटिक्स ठीक ठाक है उसकी पहले से, या किसी भी वजह से, कुछ लोगों के नेचुरली ठीक होती है तो उसकी ठीक है, उसी पे आप फोकस करिए। सो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ठीक, मास्टर ऑफ सम, सॉरी, ऐसा कहावत है ना कि जैक ऑफ ऑल यानी कि सब चीजें थोड़ी बहुत बने एंड मास्टर ऑफ नन यानी कि कोई एक चीज अच्छे से नहीं बनती, बट सी सेट में ऐसा नहीं है। सी सेट में यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल, सारी चीजें आपको ठीक ठाक नंबर आने चाहिए, ठीक 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 ठीक, और आपको एक आध चीज कुछ तो होगा ना आपका अच्छा, रीजनिंग का कुछ पार्ट अच्छा होगा, मैथ्स का अच्छा होगा, कुछ लोगों का कम्प्रेहेंशन अच्छा होगा, उसमें आपके थोड़े ज्यादा आ जाने चाहिए नंबर, जिससे कि आप इजिली कट ऑफ क्लियर कर सकें। देन सोर्स क्या होते हैं, सोर्स क्या फॉलो किए जाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व्ड पेपर। आप पीवाईक्यू सॉल्व्ड पेपर या तो मार्केट से मंगा लें, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी बुक पब्लिकेशन के, या तो आप यूट्यूब में वीडियो देख लें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, एक शायद एडू सेट है, या बहुत सारे चैनल है, आप सर्च करेंगे सी सेट यूपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर या क्लासेस, तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, उसमें आप देखिए जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आप देख सकते हैं। तो सॉल्व पेपर तो आपको कम से कम 5 साल के लगाने हैं, और यहाँ मैं फिर से एक बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, 5 साल का मतलब ये नहीं है कि आप 2013-14 से लगाने लगे, 5 साल यानी कि ये 2023, 22, 21, 20, 19, ये 5 साल है ना, इन्हीं साल कठिन आया है, 2023, 22, 21, इन्हीं साल कठिन आया, पहले बहुत आसान आता था, तो वो नहीं लगाने हैं आपको।
इनमें अगर आपके 100 से ऊपर आ रहे हैं तो मतलब है, उनमें तो सबके ही आ जाते थे। देन सोर्सेज में PYQ सॉल्ट पेपर, इसके अलावा अरिहंत की बुक आती है CSET की, ये भी मैंने देखी थी बट मैंने पढ़ी नहीं थी, मैंने मंगा ली थी बट जैसा कि मेरे नंबर आ रहे थे तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ये भी ठीक लगी थी मुझे बुक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप YouTube चैनल में जाइए, बहुत सारे चैनल हैं, आप किसी भी टॉपर का देखेंगे इस साल जिनकी रैंक 2 आई थी। इसके अलावा और मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका मतलब इतना अच्छा नहीं था CSET, उन्होंने मेनली YouTube से ही तैयार किया है। आप सर्च करिए CSET क्लासेस, आपको बहुत सारे चैनल की मिल जाएंगी, आपको 3-4 देखनी पड़ेंगी और फिर देखना पड़ेगा आपको क्या सूट कर रहा है, कहाँ समझ आ रही है आपको मैथ्स रीजनिंग, और उसी पे आप देख लीजिए मतलब जो कॉमनली कॉमनली रिपीटेड थीम्स है और उन पे एटलीस्ट आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देन आफ्टर डूइंग PYQ, PYQ करने के बाद क्या करना है, मेक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आर कमिंग इन एवरी ईयर एंड रीड इट फ्रॉम बुक और यूट्यूब। आपको लिस्ट बनानी है टॉपिक्स की जो हर साल आ रहे हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं हर साल, इन द सेंस अब हर टॉपिक हर साल नहीं आएगा, इस साल हो सकता है आप कोई 2023 का पेपर देखे और कह दे कि सर इनमें से सिर्फ 2 चीजों से आए थे बाकी से नहीं आए थे, तो वो ऐसा तो हर एक साल होता है, हर साल की हर चीज से पूरे नहीं आते हैं, बट अगर आप पिछले 5 साल के पेपर में कुछ ऐसी थीम मिल जाएंगी जो 2-3-4 बार आ चुकी है ना, 2-3-4 पेपरों में आ चुकी है, तो उन थीम की आपको लिस्ट बनानी है पेपर देख के और फिर उनपे आपको पढ़ना है। ठीक है, मेक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आर कमिंग इन एवरी ईयर एंड रीड इट फ्रॉम बुक से पढ़ लेना है कोई भी आप पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब से, एंड यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, सर्च फॉर दोज टॉपिक्स एंड लुक फॉर बोथ कंसेप्ट एंड ट्रिक वीडियोज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इनमें से पहले आपको लगाने हैं पेपर, फिर आपको समझना है कि कौन सी चीजें किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आने हैं, उनकी लिस्ट एक सेपरेटली बना लें आप लैपटॉप में, आपने है ना पेन पेपर लेके आप बना लीजिए उसकी एक सेपरेट लिस्ट, और उसके बाद आप उन टॉपिक्स को ढूंढिए बुकों में मतलब जो भी बुक है CSET की या फिर YouTube में, एंड आपको दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक तो पहले आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा बिकॉज सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको तभी बनेगा जब आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझ आ रही है चीजें, साथ ही आप ट्रिक वीडियोस भी आपको देखनी पड़ेंगी जिससे आपकी जल्दी कर पाए। CSET का पेपर बहुत बड़ा आता है और आपको उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रिक वीडियोस बननी चाहिए। अब ट्रिक वीडियोस ज्यादा क्वेश्चनों में नहीं लगती पर 2-4 क्वेश्चनों में भी लग जाए तो वो बहुत है ना। CSET में अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपके एक्स्ट्रा सही हो रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, वो 8-10 नंबर आपके सीधे बढ़ा देते हैं। देन व्हाइल सॉल्विंग पेपर डू नॉट गिव एक्सेसिव टाइम टू मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर कोई आप किसी से भी मिलेंगे वो यही बताएगा पिछले 2 सालों के पेपर देख के कि प्लीज डू नॉट गिव एक्सेसिव टाइम टू मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जंप टू कम्प्रिहेंशन, जो कम्प्रिहेंशन इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं उन पर जंप करिए। व्हेन 45 मिनट्स आर लेफ्ट एंड सॉल्व देम क्विकली। कम से कम आपको 45 मिनट जब आपके बचे हों तो डायरेक्टली जंप, आपको देखने ही नहीं है आपके मैथ्स और रीजनिंग के कितने हुए, डायरेक्टली जंप करना है कॉम्प्रिहेंशन में और उसको पूरा करिए। उसके बाद अगर कम बैक अगेन टू सॉल्व रिमेनिंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन, अगर आपके पास 5-10 मिनट बचेगा तो उसमें बाकी आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ऐसा क्यों है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन कंपेरेटिवली आसान आता है, आसान नहीं आता ऐसा बट कंपेरेटिवली आप खुद लगा के घर में देखना आप 2023 का पेपर, तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत कठिन आई थी, कॉम्प्रिहेंशन उनकी तुलना में आसान आया था, तो उनपे आप सही कर सकते हैं क्वेश्चन। देन इन लास्ट 2 ईयर्स यही मैंने लिखा है कि इन लास्ट 2 ईयर्स कॉम्प्रिहेंशन वॉज कंपेरेटिवली इजी, डू नॉट इग्नोर इट इवन इफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आर स्ट्रॉन्ग एरिया। आप भले ही इंजीनियर हो, अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, आपकी मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छी है बट वहाँ हो सकता है आपको वहाँ और ज्यादा कठिन आ जाए और आप उनके क्वेश्चन ना लगा पाए, तो वहाँ काम क्या आएगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन आपको सही करने ही पड़ेंगे। जिसकी इंग्लिश ना हो अच्छी या जो मतलब इंग्लिश हिंदी जो भी आते हैं तो वो ध्यान दे दे इसमें, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा ध्यान दें आप। डू नॉट कीप इट टू लास्ट डे, और ये सही है भी बहुत जरूरी है कि आप आखिरी दिन के लिए ना बैठें, आखिरी महीने के लिए भी ना बैठें। डू इट इन आइदर इन द स्टार्ट और इन द मिडिल ऑफ द प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। आप जो 4-5 महीने प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी को दे रहे हैं उसके या तो शुरुआत में कर लें, सबसे अच्छा तो ये है कि आप शुरू से कर लें, या बीच में कर लें, बीच में भी अच्छा रहता है। आपने ट्रीट इट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, जैसे आप पॉलिटी पढ़े मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी स्पेक्ट्रम इकोनॉमी आपने पढ़ ली, फिर एनवायरमेंट पढ़ ली, साइंस एंड टेक पढ़ ली, उसके बाद एंशिएंट मेडिवल मन नहीं करता पढ़ने का तो बाद में पढ़ ली, उसके बीच में आप CSET पढ़ लीजिए, उसे भी आप पॉलिटी इकोनॉमी की तरह एक सेपरेट सब्जेक्ट माने, सफिशियंट टाइम दें, 1 हफ्ता 10 दिन जितना लगे उससे भी ज्यादा लग सकता है, और उसको करिए, वरना फिर अगर आपका उसमें नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा और कठिन ही आता है उसका पेपर। तो ये कुछ रफ बातें थी जो आपको याद रखनी है, और ये मेरे ख्याल से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं एकदम डिटेल आपको बताऊंगा कि ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, तो आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, आप ये देख के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी है तो मैं सर्च मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, मैं मतलब लोगों से बात कर रहा हूँ और कि किस तरीके से जिनका वीक रहता है वो कैसे तैयारी करते हैं, और मैं इसमें डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब में या इसी अनअकैडमी या कहीं भी किसी कहीं भी मैं डाल दूंगा जल्दी। ठीक है, तो ये सेशन कंप्लीट होता है, अब आप क्वेश्चन पूछ सकता है।